हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद बेस। आज हम क्लास सिक्स ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर करेंगे। आज हम बात करेंगे मैप्स के बारे में। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने थर्ड चैप्टर में ग्लोब के बारे में बात की थी, लेकिन ग्लोब्स की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ी है। अगर ग्लोब के लिमिटेशंस की बात करें तो जब हम अर्थ को एज अ होल दिखाते हैं तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लोब क्या होती है, थ्री डायमेंशनल होती है, तो हम अर्थ को एज अ होल उस पर दिखा सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम मैप्स की बात करते हैं ना, तो मैप्स होती है टू डायमेंशनल, और मैप्स पे रीजन्स को शो किया जा सकता है। पृथ्वी का, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि पृथ्वी का मानचित्र व नक्शा, जहाँ पर डिफरेंट देश, नदियाँ, पहाड़, सड़कें इत्यादि दिखाई जा सकती हैं। और सेकंड लिमिटेशन ये आ जाती है कि जब ग्लोब है ना, उसको पोर्टेबल नहीं किया जा सकता, इजी पोर्टेबल नहीं है ये। लेकिन मैप्स की अगर हम बात करें तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम उसको फोल्ड करके अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ रीजंस हैं, और आगे तो हम पढ़ेंगे ही मैप्स के बारे में, जहाँ हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कई चीज़ों में जो मैप्स है वो इम्पोर्टेंस अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और कई जगह पर ग्लोब अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मैप जो है वहाँ पर क्या क्या दिखाया जा सकता है, कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस। और मैप क्या होता है, एक ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब नक्शा जिसे हम कह सकते हैं, किसका, अर्थ सरफेस का, ठीक है। और किसकी हेल्प से बनाया जाता है, स्केल की हेल्प से, रूलर होते हैं ना जो, एक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर मीटर में होते हैं। और फ्लैट सरफेस होता है मैप, ठीक है, उस पर किसकी ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए, डिस्टेंस को शो करने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ती है। जब बहुत सारे मैप्स को कलेक्ट किया जाता है, या कलेक्शन ऑफ मैप्स, उसे क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। मैप्स जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रादर देन ग्लोब, अगर हम कंपैरिजन करें तो। जैसे कि मैप्स के हम बहुत सारे एक टाइप्स भी देख सकते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। देखिए, आपसे ये मैप्स में ना काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत माइन्यूटली इसको पढ़ना है। चलिए बात करते हैं फिजिकल मैप की। यहाँ पे नेचुरल फीचर्स को शो किया जाता है अर्थ की, पृथ्वी की, ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर, ओशंस, इन सब को शो किया जाता है फिजिकल मैप्स के थ्रू। और इसका एक सब्स्टिट्यूट नेम भी है जिसे कहते हैं रिलीफ मैप, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं, जहाँ पे सिटी, शहर, टाउन्स, कस्बे, विलेजेस, गांव, कंट्रीज़, देश, इन सबको बाउंड्रीज़ के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। बाउंड्रीज़ के थ्रू ऐसे प्रॉपर एक बाउंड्रीज़ दिखा दी जाती है। यदि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टाउन है तो यहाँ पे विलेजेस हैं, एक प्रॉपर बाउंड्री के साथ शो किया जाता है, वो होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। फिर होते हैं थेमेटिक मैप्स, जिसमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रोड, रेनफॉल मैप्स, और फॉरेस्ट के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, ये है फिजिकल मैप इंडिया का, और यहाँ पे आपको ऐसे सिंबल्स भी दिखाए जाते हैं कि ग्रीनरी है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर है वो प्लेन रीजन्स को शो करता है, येलो है वो प्लेटो रीजन को शो करता है, और ब्राउन है वो माउंटेन्स को शो करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये है कुछ, जहाँ पे ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये सारा प्लेन रीजन है। और यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो फिजिकल मैप है इसमें देखिए कहीं भी बाउंड्रीज़ नहीं हैं, ठीक है, जो हमने पॉलिटिकल मैप्स में पढ़ी थी। तो ये इंडिया का फिजिकल मैप है, और ये देखिए, ये माउंटेन रीजन्स हैं, ठीक है। अब एक बार इसका पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है पॉलिटिकल मैप, यहाँ पे देखिए हर चीज़ बाउंड्रीज़ के हिसाब से शो की गई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान है, भोपाल है, तो एक प्रॉपर बाउंड्रीज़ में शो किया गया है, ठीक है। तो ये होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। फिर होते हैं थेमेटिक मैप्स, जिसमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रोड, रेनफॉल मैप्स, और फॉरेस्ट के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हम थेमेटिक मैप्स में पढ़ चुके हैं। हम कंपोनेंट ऑफ मैप्स की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, वन बाय वन इनकी बात करते हैं। डिस्टेंस देखते हैं क्या है। देखिए, जो मैप होता है उस पर आप प्रॉपर डिस्टेंस तो शो नहीं कर सकते हो किलोमीटर में, ठीक है। जब कोई रास्ता किलोमीटर में है तो आप उसको मैप पे शो नहीं कर सकते हो, आप उसको मैप में यूनिट के हिसाब से आप उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि वो रियल लगे, ओके। और स्केल क्या होता है, स्केल एक रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे होता है और जो हमको मैप पे दिखाया जाता है, ठीक है, उसका रेशियो होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ भी आ जाएगा।
अब सपोज कीजिए आपके स्कूल का और आपके घर का रास्ता 10 किलोमीटर का है, तो आप 10 किलोमीटर मैप पे नहीं शो कर सकते। तो सपोज कीजिए आपने 10 किलोमीटर को मैप पे 2 सेंटीमीटर में दिखाया है, तो इसका मतलब 1 5 किलोमीटर की यूनिट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और 5 किलोमीटर की यूनिट सेकंड वाले की कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, तभी तो वो 2 सेंटीमीटर दिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैप में दिखाया जाता है किलोमीटर को सेंटीमीटर में शो करके। जो स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैप में, क्योंकि एक जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए स्केल की जरूरत पड़ती है, और स्केल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप की बात करें तो देखिए बिल्कुल नाम से उल्टा है, स्मॉल स्केल लेकिन लार्जर एरियाज के लिए, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज, इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्मॉल स्केल मैप की। जैसे अगर 500 किलोमीटर है, हम 500 किलोमीटर मैप में नहीं दिखा सकते, तो हम उसको किस कितनी यूनिट में लेके चलेंगे, 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, स्केल पे हम उसको 5 सेंटीमीटर रखेंगे और मैप में उसको 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से दिखा देंगे। और ऐसे ही अगर लार्जर स्केल मैप की बात करें, नाम से बिल्कुल उल्टा, स्मॉल एरियाज को शो करने के लिए लार्जर स्केल मैप की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हम 500 मीटर्स के थ्रू भी उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, और हम लार्जर एरियाज के लिए हम 500 सेंटीमीटर का यूनिट लेंगे। तो इस तरीके से वो डिस्टेंस और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, विलेज हैं, टाउन हैं, इन सब पे डिपेंड करता है, ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है, हम उसको किस तरीके से शो करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में। ठीक है, जो लार्जर स्केलर एरिया, सॉरी, जो लार्ज स्केल मैप है ना, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अगर हम स्मॉल स्केल मैप्स की बात करें तो। ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। अब देखिए कुछ मैप में क्या किया जाता है कि अपर राइट कॉर्नर पे सपोज कीजिए ये मैप है, यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया जाता है, तो हम और डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन इसके अलावा कौन सी डायरेक्शन रह गई, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम एंड दक्षिण। ठीक है, और नॉर्थ जो होता है वो होता है उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो ये चारों डायरेक्शन होती है इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इंटरमीडिएट जो इनके बीच से इंटरमीडिएट होके जो डायरेक्शन निकलती है उनको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब दक्षिणी, सॉरी, उत्तरी पूर्व एंड उत्तरी पश्चिम, और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिणी पूर्व एंड दक्षिणी पश्चिम। अब बात करते हैं कंपस की। देखिए जो कंपस है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेन डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं, और जो इसका जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ही डायरेक्शंस को शो करता है यूजली, और जब आप इसको जिस भी दिशा में घुमाएंगे ये उसी दिशा में ये नीडल घूमती जाएगी। देखिए अब बात करते हैं सिम्बल्स की। देखिए सिम्बल्स का यूज़ करना बहुत जरूरी होता है मैप में, क्योंकि आप मैप में कोई बिल्डिंग्स तो दिखा नहीं सकते हो। अब 1000 बिल्डिंग है, आप उनको 1000 बिल्डिंग को तो मैप पे शो नहीं कर सकते हो। रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, ये सब आप नहीं शो कर सकते हो मैप पे इसकी ड्राइंग बना के, इसलिए हम इन सब को एक सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। जैसे कि हम वाटर के लिए ब्लू कलर का यूज करते हैं, तो जहां पे ब्लू कलर होगा वहां हमें समझ आ जाएगा ये वाटर का प्लेस है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को शो करने के लिए जो हम मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते उसके लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि सिंबल्स में क्या क्या, लेटर, शेड्स, कलर, पिक्चर या लाइंस, इन सब का हम यूज करते हैं और इन सब के थ्रू हम चीजों को शो करते हैं। और जो भी ये सिंबल्स हैं ये इंटरनेशनली एग्री की गई हैं, सबने एग्री किया है इसको, इसलिए इसे कन्वेंशनल सिंबल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पे सबका एग्रीमेंट है। और जो मैप्स हैं इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, क्योंकि सिंबल्स के थ्रू ही इसको समझा जा सकता है। तो अगर किसी को कोई भाषा नहीं भी आती है और आप कहीं चले जाएंगे तो सिंबल्स जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, और सबके सिंबल्स जो हैं वो सेम होंगे। अगर वाटर के लिए ब्लू कलर है तो सभी जगह ब्लू कलर होगा, अदर कंट्रीज़ में भी। तो हम मैप के थ्रू पहुँच सकते हैं डायरेक्शंस पे। तो देखिए ये हैं कुछ सिंबल्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लेना। जैसे अगर ब्लू की बात करें तो वो वाटर को शो करने के लिए, वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए ब्लू कलर यूज़ किया जाता है, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए, एंड येलो कलर पठार मतलब प्लेटियोज़ को शो करने के लिए, एंड ग्रीन कलर जो है वो प्लेन्स को शो करने के लिए किया जाता है।
अब बात करते हैं स्केच की। जो स्केच है वो मेमोरी पे डिपेंड करता है, एक रफली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। हम स्केच में स्केल का यूज़ नहीं करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना। आप सीटेट में पूछ सकते हैं स्केल का यूज़ हम किस में नहीं करते हैं, हम स्केच में स्केल का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए स्केच क्या होता है, एक रफली आइडिया देना। जैसे अगर आपको घर से शॉप की तरफ जाना है तो आपने रास्ता बता दिया कि आप सीधे जाइए, आप जब लेफ्ट मुड़ेंगे तो आपको एक टेम्पल मिलेगा, फिर आप स्ट्रेट जाइए उससे राइट हैंड में जाएंगे तो आपको शॉप मिल जाएगी। तो एक रफली आइडिया देना। अगर आप कि अपनी फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं पता, तो आपकी फ्रेंड जब आपको एक रास्ता बताएगी, एक रफ ड्राइंग वाला रास्ता बताएगी, तो ये होता है स्केच, ठीक है। इसमें स्केल का यूज़ नहीं किया जाता, ये बिना स्केल के होता है। और प्लान की बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है कि एक प्लानिंग करके जो एरियाज़ को दिखाया जाता है, जैसे कि स्मॉल एरियाज़ को, लार्जर एरियाज़ को एक प्लान में दिखाया जाए। आप कभी भी बिल्डिंग्स वगैरह जो बनती है इनके अंदर देखना, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ऐसे कुछ दिखाया जाता है कि आपको यहाँ पे 1 बेडरूम होगा, यहाँ पे आपको एक स्मॉल रूम मिलेगा, फिर आप यहाँ से ऐसे अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे हॉल मिलेगा। एक प्रॉपर प्लानिंग में बताया जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स मॉल्स वगैरह होते हैं, इनका पहले एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक प्लानिंग बनाई जाती है कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, कौन सा रूम कहाँ पर होगा, क्लोदिंग पार्ट यहाँ होगा, यहाँ पे अलग पार्ट का सामान मिलेगा, यहाँ पे टॉयलेटरी गुड्स मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसी को प्लान कहा जाता है। तो देखिए जो मैप है उस पे आप लेंथ या ब्रेड्थ नहीं दिखा सकते रूम की, वो सिर्फ आप प्लान के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है, 4th चैप्टर। कल हम 5th चैप्टर की बात करेंगे और हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री जो है वो NCERT हिस्ट्री वो ख़त्म हो चुकी है। हम 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हमारी पैडागोजी इंग्लिश की स्टार्ट हो चुकी है। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज प्रियंका गौर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।